इशवासी मेरे पंजाब वासी मैं तुहाडे नाल मिल के तुहाडे इस अंदोलन दे विच तुहाडी इस जद्दोजहद दे विच सारे नाल फतेह बुलाउंदा हां। तुसीं सारिआं ने रल के बहुत तहम्मल बहुत संजम बहुत सबर वरत्या दो ढाई महीने पंजाब दे विच थां थां बैठे तुसीं अटल इरादे दे नाल पूरी पूरी शिद्दत दे नाल पूरे संजम दे नाल लेकिन जू नहीं रेंगी इस वाले पासे सरहद तो उस पार अगे फिर तुसीं 26-27 जनवरी दी डेट तारीख मुकर्र करके आखिर चाले पा दित्ते। काफ़ी वड्डियां मुश्किलां आईयां पंजाब दी सरहद जदों पार करनी सी उत्थे जड़े लोग मौजूद सन ड्यूटी ते तैनात सन हुक्मां दे पाबंद सन पर तुहाडे वास्ते ओह दीवार कोई दीवार नहीं सी तुसीं बड़े तहम्मल दे नाल बड़े इतमान दे नाल इवी गल नाल है कि बड़े जोश और बड़ी हिम्मत दे नाल ओह दीवार भन दित्ती तोड़ दित्ती इत्थे आके हुण तुसीं विराजमान हो दिल्ली दे बूहे ते दिल्ली दी सरहद ते दिल्ली दी सरदल ते तुसीं सारा पंजाब वसाया होया है वेख के बड़ी खुशी बड़ी तसली हो रही है। पारा हौली हौली डिगदा जा रहा है हौसला तुहाडा वधदा जा रहा है एक बार फिर वते बुलाई जावे पहलवान करतार सिंह हुरी तुहाडे अपने ने मेरे अपने ने साडे सारयां दे अपने ने जदों 5 तरीक वाले दिन पहली बार किसी शख्स ने तुहाडे अपने अजीज ने तुहाडे वीर ने इस किसान दे पुत्त ने जदों घर विच अनेक दिन अपने साथियों नाल सोच के फैसला किया कि यह अर्जुन अवार्ड ये पदम श्री ये कुछ नहीं खान सब दोस्तों ने नाल सलाह कीतियां इत्थे हाजिर हो गए सन आके मैनू भी पाबंदी है कि दिन मिनट दो की लवांगा तो ये पहले शख्स सन जिन्होंने फैसला किया अपने साथियों नाल सारे वड्डे लोग सन कौर सिंह होरी वड्डे पुराने बॉक्सर जिन्होंने इंडिया के मुहम्मद अली के नाल एग्जीबिशन मैच भी खेडिया सी अर्जुन अवार्डी और पदम श्री इस तरह द्रोणाचार्य इस तरह अर्जुन अवार्डी एक बार आप जी ने अनाउंस किया जो इतने आके स्टेज के उपर पहलों दिल्ली राष्ट्रपति को टाइम मंगया सी टाइम ना मिलना सी ना मिलया तो फिर आप जी आके इतने इस मोर्चे पर हाजिर हो गए आप जी के नाल मुहब्बत की सांझा दी गल्लां कीतियां आप भी किसान के पुत हन उस तो बाद जरूर ये वेख्या होएगा कि एक तो बाद एक कलाकार मंचकर्मी फनकार साहित्यकार खिडारी होर लोग फिर सब लोग जिवें तुहाडे नाल खड़िया होण वास्ते तुहाडी आवाज़ दे विच आवाज़ बनन वास्ते सारे अपने मान सन्मान वापस दे रहे सन। संखेप विच आखर गल ये आखनी है कि एक तां पहलवान होरी सर्दी है क्योंकि बहुत रज के अपने इत्थे साथियों लई करीब 1000 लोइयां लै के आए ने ट्रैक सूट लै के आए ने स्वैटरस लै के आए ने होर समान लै के आए ने वो आप जी दे हवाले कर दिता जाएगा अपने आप जी देख लोगे कितने कितने किरे किरे पहुँचाया जाना है। और एक गल जी मैं ये देख रहा क्योंकि दिल्ली के दरवाजे पर बैठे हो दो गल् शायद पहलू किसी होर ने भी कीतियां होण कियां सुप्रीम कोर्ट आखिर विच इस मुद्दे दे शामिल हो गई और साफ बयान कर दिता सेंट्रल गवर्नमेंट नूं आख दिता तुहाडे कोलों ही होना नहीं जो लगता पिया है कुछ होर करो। एक गल होर वड्डी आखी है परसों जड़ी कि जे किसी एक ने यह आख्या सी दरखास्त दे के बड़ी मुश्किल है साढ़े इन्हां लोकां करके जिहड़े इत्थे मौजूद ने राहां दे विच मौजूद ने राह ही बंद कर दिते ने आना जाना रोक दिता है मरीज़ तक नहीं जा सकते सारी दुनिया दे विच हर कोई जानता है कि जदों एक एंबूलेंस लगती है तो आऊं 100 बंदे एकदम किवें रस्ता साफ करवाण वास्ते गां छाला मार के आ जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर की आख्या कि बई वह कह रहा है कि रस्ते बंद किए ने कहते भी रस्ते तो बंद किए नहीं इन्होंने रस्ते तो सरकार ने बंद किए ने तुसीं तां दिल्ली जाना चाहते सी तो हनु राह दे विच रोक लिता गया। सो ये सर्वोच्च अदालत आख रही है लगता है कि फतेह दे दिन जित दे दिन नेड़े आते जा रहे हैं। और मैं भी जो है आप जी के जज्बात नूं सलाम करता हाँ आपकी हिम्मत और शिद्दत नूं सलाम करता हाँ बहुत शुक्रिया आप जी का।